हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है जो कि इन्वर्टर मॉडल। इसकी आप कंप्लीट रिपेयरिंग कैसे कर सकते हैं, इसे कंप्लीट कैसे चेक कर सकते हैं, अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। हर एक चीज़ की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा डीपली मैं बताऊँगा आपको। इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना। इसमें चाहे आपका इनलेट बॉल हो, प्रेसर हो, या फिर इसमें डाई ड्राइव मोटर दी है। इसमें आप देख रहे हैं कॉइल टाइप मोटर होती है, बेसिक होता है। नॉर्मल जो मशीन होती है उसमें क्या होता है, एक मोटर होती है, वो उसमें क्या गियर बॉक्स होता है, अलग होता है। बट इसमें क्या होता है, दोनों इंक्लूड होते हैं एक के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे गियर बॉक्स है और ऊपर जो है डाई ड्राइव मोटर। इसको कैसे चेक कर सकते हैं वही मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉइल टाइप मोटर होती है इस टाइप की। तो सबसे पहले क्या है, मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ, ये क्या क्या काम करती है। तो ये जो मोटर होती है, एक तो आपका यहाँ से क्या होता है, इसके अंदर एक मैग्नेट लगा होता है जो कि यही वॉश करती है और यही स्पिन करती है। तो ये जो है यहाँ पे इसका गियर बॉक्स है। पहले मैं गियर बॉक्स के बारे में बता दूँ, गियर बॉक्स क्या काम करता है। गियर बॉक्स क्या होता है, पूरे ड्रम को रोटेट करता है। जब हम स्पिन करते हैं उस समय क्या होता है, सारे कपड़े ये है स्पिन करता है। तो उससे क्या, कपड़े ड्राई होते हैं, सूख जाते हैं। तो उससे क्या होते हैं, दो काम होते हैं, दो वर्किंग होती है। पहला तो क्या, सारा पानी आउट करता है ये ट्रेन असेंबली। यहाँ से जब आपका ये गियर बॉक्स होगा, स्पिन मोड पर आप डालेंगे तो ये क्या होगा, ट्रेन मोटर क्या होती है, अपनी तरफ इसको खींच लेती है। ठीक है, इस फीते को खींच लेती है। उसकी क्या होता है, यहाँ से सारा पानी आउट हो जाता है इस ट्रेन कॉक के जरिए से। अगर यहाँ से पानी आउट नहीं होगा तो आपका जो स्पिन है वो ड्राई मतलब स्पिन मोड पे नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक पानी आउट नहीं होगा स्पिन नहीं चलेगा, आपके कपड़े नहीं सूखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर गंदगी वगैरह होती है तो उस वजह से भी आपका पानी आउट नहीं होता है। तो आप इसको खोल के, ये जो ड्रेन कॉक होती है इसका कवर खोल के, इसके बाद सारी जो भी गंदगी ये सारी आउट हो जाए निकाल सकते हैं आप। या फिर आपकी सील वगैरह, या फिर उसमें और ज़्यादा गंदगी फंस जाती है, कॉइन फंस जाते हैं, तब भी पानी नहीं निकलता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, इसको खोल के उसको साफ़ करके दोबारा लगा देंगे। यहाँ पे पाइप में अगर कोई गंदगी आ जाती है तो आप इसको भी नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आपका ये जो है इसमें नहीं होता है, पानी ड्रेन नहीं होता है, तो उसका एक रीज़न और होता है, ये होती है ड्रेन मोटर। ड्रेन मोटर क्या होती है, कभी कभी ऐसा होता है इन्वर्टर मॉडल जो वॉशिंग मशीन होती है वहाँ पे 12 वोल्ट पे 15 वोल्ट पे होती है, बट ये पे क्या है 220 वोल्ट पे है। तो इसको भी चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ड्रेन मोटर का जो काम होता है वो आप समझ लें। पहले क्या होता है, ये अपनी तरफ इसको खींचती है, इसका जो क्लिच होता है इस तरीके से आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या होता है, अंदर का जो आप देख रहे हैं इसका क्लिच, ये हट जाता है इस तरीके से। फिर क्या होता है, सारा पानी यहाँ से आउट हो जाता है, ड्रम को जो भी पानी होता है आउट हो जाता है। अगर ये ऑन नहीं होती है तो आपका ना तो पानी आउट होगा, नहीं आपका स्पिन चलेगा। तो आपको क्या है, इसको कैसे चेक करना है वो भी आप तरीका समझ लें। कैसे चेक करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है, मैंने आपके पास जो है ट्रेन मोटर ले लेना है। ट्रेन मोटर जो आप देख रहे हैं ये मतलब 220 से 240 एसी वोल्ट पे काम करती है। जैसे कि इसमें सैमसंग की, ये भी सैमसंग की, इसे मैं इसको डायरेक्ट चेक करके आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या, हमने इसको जो है वोल्टेज मतलब यहाँ पे देना है, हमें डायरेक्ट चेक करना है, तो मैं डायरेक्ट चेक करके दिखाता हूँ। तो इसको क्या है, मैंने इसको लगा दिया, उसके बाद 220 वोल्ट यहाँ से ऑन करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो फीता है, इसका ड्रेन फीता अंदर जाना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। दोबारा मैं फिर आपको इसको बाहर निकाल के फिर दिखाता हूँ। फीते को मैंने जो है बाहर ले लिया, उसके बाद स्विच ऑन करते हैं और आप देखेंगे दोबारा। तो इस तरीके से ये ड्रेन मोटर एसी जो वोल्ट पर रन करती है, इसको आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसको क्या है, 220 वोल्ट पे इस तरीके से चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप चेक करेंगे तो उसका क्या होगा, यहाँ पर स्टिकर लगा होता है, या फिर आपको उसको नोट कर लेना है कि इन्वर्टर मॉडल अगर वॉशिंग मशीन है तो कुछ इन्वर्टर मॉडल में है 220 मतलब 12 वोल्ट या 15 वोल्ट पे, वरना 220 से 240 वोल्ट पे ही ये एसी वोल्ट पे रन करती है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी इसकी वर्किंग वो भी मैंने बता दी आपको। गियर बॉक्स की जो वर्किंग है वो भी मैंने बताया, अगर गियर बॉक्स ख़राब होता है तो उस समय क्या कंडीशन होती है, यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ये जो आवाज़ करना मतलब स्टार्ट कर देता है, साउंड करता है, बहुत किचकिच की साउंड करता है। आपके जो कपड़े होते हैं अच्छे से ड्राई नहीं होते तब भी ये दिक्कत आती है। तो आपको क्या, गियर बॉक्स अगर साउंड बहुत ज़्यादा करता है तो उस कंडीशन में होता है आपका गियर बॉक्स ख़राब होता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट ड्राइव मोटर की। मोटर क्या करती है, ये वॉश करती है कपड़े और आप पे स्पिन करने में मदद करती है, मतलब गियर बॉक्स जो होता है। इसमें एक ही मोटर लगी होती है कॉइल टाइप। इसको कैसे चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। करती है तो मैं आपको सबसे पहले इसकी जो मोटर है, मोटर टेस्टिंग करना दिखाऊंगा। इसके क्या होता है, UVW होते हैं, तो आप UVW जो होते हैं वो कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं वो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, और इसकी शॉर्टेज आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी शॉर्टेज जो होती है। तो आपको करना है, मीटर लेना है, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। उसके बाद क्या होगा,
दोनों नोप लेना है। जब आप दोनों नोप लेंगे उसके बाद एक नोप एक साइड पर रखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी रेजिस्टेंस होगी वो सेम होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर अप डाउन होती है तो आपकी जो मोटर है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो है इस तरीके से लगता है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से इसको लगा देते हैं। और इसके बाद यूडब्ल्यू है, तो आप देखें यहाँ पे एक नोप रखें यहाँ पे, तो यहाँ आप देख रहे हैं जो इसकी रेजिस्टेंस है वो मतलब क्वांटिटी में हमने सेट किया है 1700 हो रही है। तो तीनों में सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगी तो आपका जो मोटर है वो उसकी बैंडिंग ख़राब होने होती है, ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप तीनों में सेम है, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको अब एक चीज़ और इसकी बॉडी से मतलब टच करके दिखाऊंगा स्टेप बाई स्टेप, यू बी डब्ल्यू तीनों। अगर यहाँ पर अलार्म का साउंड आता है तो आपकी जो मोटर है वो ख़राब है, तो इस तरीके से आप मोटर चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने तो ये जो मोटर होती है इसी तरीके से चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसकी जो अगर शॉर्टेज वगैरह है या फिर आप जो है यू वी डब्ल्यू किस तरीके से चेक करते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कि अगर इसका प्रेशर स्विच मतलब जो कि इसमें वाटर लेवल सेंस करता है वो कैसे क्या काम करता है, उसको कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो होता है प्रेशर स्विच होता है, प्रेशर स्विच वर्क क्या करता है, ये क्या है वाटर लेवल को सेंस करता है। अगर ये वाटर लेवल सेंस नहीं करेगा तो आपका जो है प्रोग्राम ऑपरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ठीक है या फिर ख़राब है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि पीसीबी है, पीसीबी सप्लाई ऑड यहाँ तक कर रही है या फिर नहीं। ये जो प्रेशर स्विच होता है चाहे आपकी इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो, तो ये जो है 2.5 डीसी वोल्ट पे वर्क करता है। एक नोप यहाँ रखें एक साइड से, वो वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप जो है इसको देख सकते हैं। बीच में रखेंगे उससे पहले आपको मीटर लेना है, मीटर जो है डीसी वोल्ट पे सेलेक्ट करना है। तो आप मैंने क्या यहाँ पे 600 डीसी वोल्ट पे सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद इसमें इस तरीके से आपको बीच में एक बीच में रखना है नोप और एक साइड से रखना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक साइड से एक बीच में, तो यहाँ पे क्या है 2.5 डीसी वोल्ट सो होना चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 वोल्ट सो रहे हैं तकरीबन, तो एकदम ठीक है। उसी तरीके से आप दूसरी साइड रखेंगे तब भी वहाँ पे ऐसे वोल्ट सो होना चाहिए, तो एक बीच में रखना है एक साइड से। तो इस तरीके से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और इसका जो कनेक्टर होता है आप देख रहे हैं मैंने दूसरी साइड रखे हैं, तो उसके भी 2 वोल्टेज यहाँ पर सो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं वोल्टेज को। बाकी तो वोल्टेज जो है इस तरीके से चेक कर सकें, चेक करते हैं कि आप जो है डीसी वोल्ट पे आपको मीटर को सेट करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपकी पीसीबी यहां तक सप्लाई आउट कर रही है उसके बाद भी ये वर्क नहीं कर रहा है तो आपको प्रेशर स्विच रिप्लेस कर देना है। उससे पहले आपको एक चीज़ और देखनी है कि आपकी जो वायरिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर जो वायर है इसका जो कनेक्टर है ये वाला, इसमें क्या है कार्बन नहीं होना चाहिए, या फिर आपकी जो पिन होती है इनमें भी कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कार्बन बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है ये वोल्टेज यहाँ तक प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, तब भी ये दिक्कत आती है। उसके बाद आपको चेक करना है कि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी प्रोग्राम रिस्टार्ट होता हो जाता है, प्रोग्राम मतलब बार बार रिस्टार्ट होता है, इसको भी आपको चेक करना है कि इसका पाइप वगैरह कट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जहाँ पर हम ड्रम में ये नोप लगी होती है वहाँ पर एक प्रेशर स्विच का पाइप लगा होता है जो कि ये होता है ए वाला पाइप। अगर ये पाइप जो होता है इसके अंदर डस्ट होगी या फिर इसके अंदर इस नोब के अंदर डस्ट होती है, ये आप देख लें पहले क्लियर करके, ये आप देख रहे हैं ये जो होता है पूरा एयर के लिए होता है, ये चीज़ एयर के लिए होती है। यहाँ से मतलब जो है एयर बनती है फिर उसको प्रेशर से सेंस करता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोग्राम ऑपरेट होता है, मतलब ये जो पानी लेवल होता है उसी के हिसाब से ही काम करता है। अगर यहाँ डस्ट होती है तो आपका जो प्रोग्राम होता है बार बार रिस्टार्ट हो जाता है, मतलब दोबारा से फिर ऑन हो जाता है आपका, जैसे कि आपने स्पिन किया तो वो दोबारा से फिर रिस्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको चेक करना है कि आपकी नोप में बिल्कुल डस्ट नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, वरना फिर ये दिक्कत आएगी। तो आप इसको चेक कर लें। बाकी प्रेशर स्विच की जो वर्किंग है वो मैंने आपको बता दी, टेस्टिंग है वो मैंने आपको बता दी कि आपका प्रेशर स्विच किस तरीके से चेक करना है। अगर ये ख़राब होता है तो आप उसको रिप्लेस कर दें या फिर वोल्टेज नहीं आते, वो सारी चीज़ मैंने आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बात करते हैं कि इसके इनलेट बॉल की, ये होता है इनलेट बॉल, ठीक है। इनलेट बॉल क्या काम करता है पहले आप ये समझें। ये जो इनलेट बॉल होता है ये पानी को अंदर करता है मशीन के, मतलब पानी जो होता है अंदर मशीन में आता है, इस टब में आता है, ड्रम में आता है, ठीक है। तो जब ये सेंस कर लेता है उसके बाद जो है पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये काम होता है इस इनलेट बॉल का। अगर ये इनलेट बॉल आपका ख़राब होता है तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पे देखना है कि ये कितने वोल्ट पे रन करता है। तो ये आप देख रहे हैं एसी 220 वोल्ट पे रन करता है। कभी कभी कुछ ऐसी मशीन होती हैं इन्वर्टर मॉडल, उनमें कि डीसी पे ही होता है, ये 12 डीसी या फिर 15 डीसी वोल्ट पे वर्क करता है। फिलहाल यहाँ पे क्या है 220 से 240 एसी वोल्ट पे। तो पहले आपको चेक करना है कि आपकी पीसीबी जो है सप्लाई यहाँ तक आउट कर रही है या फिर नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप,
इसमें एक कनेक्टर लगा होता है, यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है, ये मैं आपको चेक करके फिर मैं आपको बताता हूँ। मीटर लेना है, मीटर को एसी बोर्ड पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। एसी बोल्ट है, एसी पे वर्क करता है क्योंकि ये नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है। तो ये जो नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है तो जो इनलेट बॉल है वहाँ पे ये 220 वोल्ट पे वर्क करता है। तो आप एसी 220 वोल्ट चेक करेंगे इस तरीके से जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, पीसीबी अगर सप्लाई आउट करती है तो आपकी पीसीबी ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो वोल्टेज है आपको इस तरीके से चेक करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि अगर आपका इनलेट बॉल फिर भी यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं उसके बाद भी क्या होता है, ये जो है काम नहीं कर रहा है। अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं उसके बाद भी ये पानी ऑड नहीं कर रहा है, मतलब मशीन में अंदर नहीं कर रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि आपका फिल्टर जो है फिल्टर चोक नहीं होना चाहिए। अगर आपका फिल्टर चोक होता है उस कंडीशन में भी पानी अंदर नहीं जाता या फिर बूंद बूंद पानी जाता है, तो आप फिल्टर नीड एंड क्लीन कर दें। उसके बाद भी अगर फिल्टर नीड एंड क्लीन है उसके बाद भी पानी नहीं जाता है, तो अंदर से इसकी कॉयल होती है, कॉयल टाइप होता है, इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, वो खराब हो जाता है, तब पानी नहीं जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर दें। या फिर कभी कभी ऐसा होता है आपकी मशीन ऑफ है, उस कंडीशन में आपका पानी कंटिन्यू आ रहा है, तो आपको टैप से बंद करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इसका जो इनलेट वाल्व होता है उस कंडीशन में भी ये खराब होता है। अगर आपकी मशीन ऑफ है, पानी कंटिन्यू जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपका इनलेट वाल्व खराब होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसकी जो वर्किंग है प्लस मैंने वोल्टेज वगैरह और टेस्टिंग वगैरह सब आपको बता दी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये, यहाँ तक अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इसकी जो वर्किंग है, टेस्टिंग, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। इसकी पीसीबी क्या काम करती है, मतलब पीसीबी जो होती है प्रोग्राम को सारे ऑपरेट करती है। अच्छा, इसका काम जो होता है, मतलब प्रोग्राम आपने स्पिन किया या फिर बॉस किया या फिर रिंस करना है, तो आप इसमें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वाटर लेवल जो है अप एंड डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर ये ख़राब हो जाती है तो उसमें आपका जो प्रोग्राम होता है वो ऑपरेट नहीं हो पाता। अच्छा, ख़राब होती है उसका रीज़न क्या होता है, जैसे कि आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, तो उस कंडीशन में आपकी जो पीसीबी है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके कहीं से वायर शॉर्ट हो जाता है तब भी ये दिक्कत आती है, या फिर आपका जो है पानी आपने धोखे से डाल दिया है इसमें पीसीबी में या फिर कंपोनेंट में या फिर जैक वगैरह में चला जाता है, उस कंडीशन में इसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ से पीसीबी आपकी ख़राब होती है, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इनका आपको एहतियात रखना है। अगर आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा ओवर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके अगर स्टेबलाइजर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपने वोल्टेज चेक कराएं इलेक्ट्रीशियन से। तो पीसीबी का जो मेन काम होता है वो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोग्राम को ऑपरेट करती है, इसीलिए ये प्रोग्राम जो होता है, जब आप जो भी मैन्युअली सेलेक्ट करते हैं या फिर आप जो है ऑटो पे ही सेलेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करके आपको देती है पीसी। उसमें आपका मदद करता है इनलेट वाल्व होता है, जो कि इनलेट वाल्व पानी के लिए होता है, और प्रेशर स्विच होता है जो वाटर लेवल को सेंस करता है। ये दो चीज़ें मदद करती हैं, बाकी फिर पीसीबी जो है सेंस कर लेती है, उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी मोटर ऑन कर देती है, आपने स्पिन करना है या फिर वॉच करना है वो उसके हिसाब से काम करती है पीसीबी। तो पीसीबी का जो वर्किंग है मैंने आपको बता दी, अगर ये ख़राब होती है तो क्या रीज़न होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अगर मशीन आपकी बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है उस समय क्या दिक्कत होती है, मतलब आपने जो स्पिन किया है फिर वॉश किया, वो उस समय जब आप वॉश करते हैं तो उस समय क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा साउंड करती है, किरकिर की आवाज़ आती है, तो उस समय क्या कंडीशन रहती है या फिर क्या प्रॉब्लम रहती है इसमें कि आप उसको कैसे ठीक कर लें। बॉस करते समय अगर साउंड होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो बुश होता है आपको इस बुश को चेक कर लेना कि बुश में जो गरारी होती है वो ऐसा तो नहीं इसकी घिस गई है, तो इसमें क्या होता है ये मतलब फ्री हो जाता है, तो इस वजह से जो पल्सीटर होता है वो साउंड ज़्यादा करता है। या फिर इसके रूलर होते हैं, आपको देख रहे हैं रूलर टूट जाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा साउंड करता है। रूलर जब टूटता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसकी जो प्लास्टिक होती है वो भी टूट ही जाती है फिलहाल, फिर बहुत ज़्यादा साउंड होता है, इसके जो कड़ होते हैं वो टप के अंदर आ जाते हैं, तभी ये दिक्कत आती है। तो आपको क्या है उसको चेक कर लेना है कि आपका रूलर अगर टूट गया है तो इसकी प्लास्टिक वगैरह निकाल दें, उसके बाद आप यहाँ से स्क्रू खोलेंगे, यहाँ से स्क्रू खोलेंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे। ये जो है मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं जहाँ स्पेयर पार्ट की शॉप है, वरना आप सर्विस सेंटर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्पिन करते समय वहाँ पर स्पिन करते हैं तो उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड होता है, तो आप क्या करेंगे ये लैग चेक करेंगे, ये लैग, ठीक है। अगर ये लैग ख़राब हो जाती है, जैसे कि ये स्प्रिंग है ये ख़राब हो जाएगा, यहाँ पर लैग अच्छे से ये सॉकर काम नहीं करेंगे, ये सॉकर का ही काम करने, जैसे कि बाइक में सॉकर होते हैं वैसे इसमें ये ड्रम होता है इसी के बेट पे रुका होता है, तो आप इनको चेक कर लें। और ये चार लगे होते हैं, तीन इस साइड होते हैं, ये देखें आप ड्रम में ही होते हैं, यहाँ पर एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, चारों साइड होते हैं, और बीच में क्या है ड्रम रुका होता है, ये वाला जो ड्रम होता है वो बीच में रुका होता है। तो इन सॉकरों को चेक कर लेना अच्छे से कि अगर आपके सॉकर जो है ख़राब हो जाते हैं काफ़ी टाइम के बाद, जैसे कि आपके 20 साल या 25 साल की मशीन हो जाती है, 15 साल की मशीन हो जाती है, उस समय क्या होता है ये ठीक से काम नहीं करते हैं, इसकी ग्रिपिंग जो होती है अच्छे से नहीं फंस पाती। ये वाली ग्रिप, मैं ग्रिप थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ये ग्रिप अगर ये
जो दे घिस जाती है, तब ये दिक्कत आती है कि आपके ये काम ठीक से नहीं करते। तो आप क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर सकते हैं, उसके बाद जो है मशीन जो है साउंड करने की दिक्कत दूर हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होता है, अगर गियर बॉक्स, मैंने पहले ही बताया था कि गियर बॉक्स की गरारी कट जाती है तो वहाँ पानी आना स्टार्ट हो जाता है और ये साउंड करना स्टार्ट कर देता है, ये भी दिक्कत आती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, एक सेफ्टी कवर लगा होता है ऊपर, ये जो होता है सेफ्टी कवर होता है चारों साइड, ये देख लें आप, तो ये अगर घिस जाता है तब भी ये दिक्कत देता है कि आपकी ये साउंड करती है बहुत ज़्यादा मशीन। तो आप देख लें, अगर ये सेफ्टी कवर घिस गया है आपका, या फिर चूहे वगैरह काट देते हैं उस समय बहुत ज़्यादा साउंड होता है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये सेफ्टी कवर होता है कवर के ऊपर लगा, मतलब ये जो कवर होता है ड्रम के ऊपर लगा होता है, दोनों ड्रम के बीच में जो स्पिन वाला ड्रम होता है वो चलता है, तो ये चीज़ आप चेक कर लें। कभी कभी ऐसा होता है मशीन जब हम रन करते हैं उस समय क्या होता है, हम जब डोर उठाते हैं तो वहाँ पे डीसी एरर कोड शो हो जाता है, तो डीसी एरर कोड जो शो होता है वो डोर लॉक का होता है। डोर लॉक कहाँ लगे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, इसको जब हम इस साइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डोर लॉक लगा होता है, ये देखें यहाँ पे डोर लगा होता है और साइड लगा होता है, मतलब दोनों साइड होते हैं ये डोर लॉक, ठीक है। इन डोर लॉक का जो काम होता है वो ये होता है, जैसे कि आपने मशीन बीच में उठा दी, इसका कवर उठा दिया, उसमें समय क्या होता है ये डीसी एरर कोड शो कर देता है, जैसे आपने स्पिन चलाई तो उस समय क्या होता है ये डीसी एरर कोड शो कर देता है। तो आप जब डोर उठाएंगे, डोर में क्या होता है यहाँ पे मैग्नेट लगा होता है, इसमें शीशे, मतलब जो गिलास होता है इसमें शीशे मैग्नेट लगा होता है, उसको सेंस करके ये डोर लॉक डीसी एयर कोड शो कर देता है। अगर डोर लॉक आपके ख़राब हो जाते हैं तब भी डीसी एयर कोड शो होता है, या फिर आपका जो मैग्नेट इसमें लगा होता है ग्लास में तो वो मैग्नेट नहीं कर पाता है, तब भी वहाँ पे डीसी एयर कोड शो होता है। तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ, बट उससे पहले ये वर्किंग आप सुन लें। बीच में अगर आप उठाते हैं तो वहाँ पे डीसी एयर कोड शो होता है, इसकी जो वर्किंग होती है, जैसे कि आप बीच में प्रोग्राम चल रहा है कंप्लीट होने थे, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो वहाँ पे डीसी एयर कोड शो हो जाएगा, मतलब आप डोर ओपन कर देंगे तब। तो इसको टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर डोर शो चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं कि ये ख़राब है या फिर ठीक है, तो उसके लिए करना है, सबसे पहले आपको मीटर लेना है। मीटर जो है आपका अच्छी कंपनी का होना चाहिए मीटर, फिलहाल ये मीटर जो है हमारा ऑटो पे है, तो हम कोई भी चीज़ चेक करते हैं वो अपनी बता देता है। आपको करना है, अगर मीटर आपका ऑटो पे नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, मीटर आप ऑन करेंगे, उसके बाद जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर देंगे मीटर को, जहाँ पे अलार्म का साउंड आता है, जहाँ पे वज़र का साउंड आता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अभी फ़िलहाल हमने जो है ऑटो पे हमारा मीटर है, तो हमने क्या है इसको ऑन कर दिया है, बाकी दोनों नोब जो है हम इसमें आपस में टच करते हैं, दोनों नोब जो है इसकी मीटर की टच करके फिर दिखाते हैं यहाँ पर अलार्म का साउंड आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अलार्म का साउंड आ रहा है, दोनों हमने जब नोब जो है आपस में टच करी, तो इस कंडीशन में क्या है ये वज़र पे ही सेट है मीटर। अब उसके लिए क्या करना है, जब आप डोर स्विच ये चेक करेंगे, मतलब ये डोर जो है चेक करेंगे, उसके लिए आपको मैग्नेट लेना है, ठीक है। मैग्नेट में आप इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद दोनों नोब यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद जो है मीटर जो है आपका अलार्म का साउंड आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से दोनों नोब आपको उसमें अटैच कर देनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलार्म का साउंड आ रहा है, ये आप देखें, इस तरीके से चेक कर सकते हैं डोर स्विच को। अब जब हम एक नोब हटाएंगे या फिर इस सेंसर को हटाएंगे तो ये चला जाएगा, दोबारा हम फिर लगाते हैं तो आप देख रहे हैं फिर से ये आ गया, एक नोब हम हटाते हैं फिर से ये हट जाएगा, दोबारा लगाते हैं। तो इस तरीके से आप डोर स्विच को चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए, एक तो मीटर आपका डोर स्विच होना चाहिए, प्लस मैग्नेट होना चाहिए। इस तरीके से आप डोर स्विच को चेक कर सकते हैं। तो मैंने A to Z आपको टेस्टिंग बता दी, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।